कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे खाद्य तेल मार्केट के बारे में। आज जानेंगे कैसी कीमतें बाजारों में देखी जा रही हैं। खाद्य तेल यानी एडिबल ऑयल के मार्केट में आज सोया पामोलिन में कैसा कारोबार चल रहा है। सरसों के बाजारों में आज कैसा कामकाज देखा जा रहा है। विदेशी मार्केट के साथ साथ घरेलू बाजार के बारे में आज आपको विस्तार से जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं घरेलू बाजार के बारे में। सोयाबीन के मार्केट में अर्जेंटीना सोयाबीन उत्पादन और आपूर्ति बढ़ने के साथ अमेरिका सोया तेल स्टॉक बढ़ने की वजह से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में बाजारों में दबाव दर्ज किया गया। चीन द्वारा आयातित सोयाबीन की खुले बाजार में बिक्री की योजना से शिकागो कल सुधार के साथ फिर से दबाव में यहाँ पे कामकाज देखा गया। सोया तेल कारना बंदरगाह पर स्टॉक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वैश्विक आपूर्ति बढ़ने की धारणा से सोयाबीन में आने वाले समय में बहुत ज्यादा बड़ी तेजी आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। सोयाबीन महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट में जो रेट है वो 4720 से लेकर 4750 के एक लेवल के बीच देखे जा रहे हैं। बाहर आने की संभावनाएं बाजारों में नजर नहीं आ रही है। एक सीमित दायरे में आपको फ्लैट बाजारों में कामकाज देखने को मिल सकता है। रेट के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में जो रेट देखा जा रहा है लातूर में ऑक्सीजन प्लांट में वो 4700 रुपये देखा जा रहा है। धनराज प्लांट में आज की कीमतें 4775 हैं। सॉवरन प्लांट में आज का जो रेट है वो बाजारों में 4700 रुपये आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा एडीएम प्लांट में आज की कीमतें 4570 हैं। धुरिया में डिसान प्लांट में जो आज का रेट है वो मार्केट में 4720 चल रहा है। नारायण मिश्र रामेश्वर प्लांट में कीमतें 4620 चल रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो रेट है सोया ऑयल में रिफाइंड प्लांट में, इसमें डिसान प्लांट का रेट 955 है। धनराज प्लांट कीमतें 960 है। एग्रो प्लांट का रेट 970 बाजारों में देखा जा रहा है। और गोयल प्लांट में कीमतें 975 चल रही हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में प्रकाश प्लांट में आज की कीमतें 4725 हैं। प्रस्टीट प्लांट का रेट 4700 चल रहा है। अभी प्लांट में आज की कीमतें 4650 हैं। सावरिया प्लांट का आज का रेट 4750 है। इसके अलावा मस्टर्ड में सोया ऑयल में रिफाइंड प्लांट में आज की कीमतों में धनका प्लांट में आज का रेट 955 है। प्रकाश प्लांट में आज की कीमतें 950 हैं। महेश प्लांट का रेट 955 है। अभी प्लांट में कीमतें 957 चल रही हैं। सोयाबीन को लेकर आने वाली खबरों के बारे में अगर बात करते हैं तो आने वाले टाइम में जब सरकार का गठन होगा, अगर सरकार का गठन होता है तो जल्द ही सोयाबीन पर एमएसपी बढ़ने की भी खबरें सामने आ रही हैं। अब इसके अलावा किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है, आज घरेलू मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं, वनस्पति पामोलिन इन सब में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, सोयाबीन में आज सरसों के बाजार में आज कैसा कारोबार चल रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में खबरों में आगे जानकारी देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग रेंज और मार्केट में अगर आप आज तेजी मंदी और मार्केट का प्रेडिक्शन वगैरह जानना चाहते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा विदेशी बाजार के बारे में। तो विदेश के बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सुस्त कारोबार चल रहा है। सीबीओटी सोया तेल और डीसीई पर पाम सोया तेल में हल्की बढ़त के साथ कामकाज देखा जा रहा है। अमेरिका में बड़े स्टॉक के कारण सीबीओटी सोया तेल में कल रात गिरावट दर्ज करी गई। कच्चे तेल में मजबूती की वजह से सीबीओटी सोया तेल को बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सोया तेल में कमजोरी के कारण अर्जेंटीना सोया तेल एफओबी में भी गिरावट दर्ज करी गई है। केएलसी में बढ़त के साथ कामकाज देखा गया, लेकिन बाहरी बाजारों पर मजबूती की कमी से दबाव में बाजार नजर आ रहा है। मलेशिया में पाम तेल का स्टॉक बढ़ने का अनुमान है और साथ ही इस अनुमान ने तेजी को भी काफी लिमिटेड कर दिया है। जैसे कि पहले भी आपको रिपोर्ट में बताया था कि बहुत अधिक मंदी नहीं है, लेकिन एक नए ट्रिगर की कमी के कारण इसकी तेजी पर रोक लगी हुई है। भारतीय बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में स्थिरता रहने का अनुमान नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जो मार्केट है खुदरा का मार्केट जो है डिमांड बहुत अच्छी यहाँ नहीं है। विदेशी मार्केट से भी बहुत अच्छे एक संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। आगे चलकर खाद्य तेल की कीमतों में भारी गिरावट आने का तो अनुमान नहीं है, धीरे धीरे मार्केट रिकवर जरूर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं रेट के बारे में। तो रेट में आज जो लोकल मिलों में रेट देखे जा रहे हैं यहाँ पर कीमतों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में 1670 रुपये है। पामोलिन में रेट 15 किलोग्राम में 1550 रुपये है। 94 रुपये तक का रेट आप पामोलिन में एक लीटर में देखकर चल सकते हैं। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1630 है। एक लीटर सोया ऑयल में कीमत 98 है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर का 1680 है। एक लीटर फॉर्च्यून में कीमत 120 चल रही है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में कीमतें आज की 92.50 रुपये हैं। पामोलिन में आज का रेट 88 रुपये देखा जा रहा है। बिनौला में जो आज का रेट है 10 किलोग्राम का वो 970 है। सनफ्लावर में कीमतें 10 किलोग्राम की 980 हैं। मूंगफली में आज 10 किलोग्राम में रेट 1450 देखा जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में भी बाजारों में कीमतों में बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। राइस ब्रांड में जो आज का रेट है वो 92 रुपये है। सोया ऑयल में कीमतें आज की 100 रुपये चल रही हैं। सोया ड्यू का आज का रेट 98 है। मस्टर्ड में आज की जो कीमतें हैं बाजारों में वो 119 चल रही हैं। एक्सप्लोर का रेट 117 है।
और पामोलिन मिर्च की कीमतें आपको 93 रुपए देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि सरसों के बाजार में आज कैसा कारोबार देखा जा रहा है। तो सरसों का जो बाजार है यहाँ पर हाफेड की बिक्री योजना के बावजूद सरसों में दोबारा से तेजी की तरफ कारोबार देखा गया। 25 लेकर 50 रुपए तक मार्केट में कल के दिन बढ़त दर्ज करी गई और आज के दिन भी यही बढ़त बरकरार है और अभी जो रेट चल रहा है सरसों सीड का वो दोबारा से 6100 के लेवल पर आ चुका है। प्लांटों में क्वालिटी सरसों का काफी ज्यादा अभाव है, इससे 75 रुपए प्रति क्विंटल तक का भाव बढ़कर सरसों की खरीदारी देखी गई। किसानों का कहना यह है कि उनके पास सरसों नहीं है, किसी किसी के पास मामूली स्टॉक हो सकता है जो कि ऊंचे भाव आने का इंतजार कर रहे हैं। जयपुर सरसों भाव जो है वो 6100 से लेकर 6125 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है। भरतपुर का रेट 5725 रुपए के आसपास देखा जा रहा है। जल्द ही मार्केट में 100 से लेकर 150 रुपए तक की तेजी आने का अनुमान जरूर नजर आ रहा है। प्लांटों में खरीद की वजह से सरसों में मजबूती आज दर्ज करी गई है। दैनिक जो आवक है यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज करी गई है। व्यापारियों के अनुसार हाल में ही कीमतों में जो नरमी दर्ज करी गई थी, हालांकि नीचे दाम पर बिकवाली कमाने से सरसों की आवकों में कमी आई है। जानकारों का मानना है कि गर्मियों का सीजन बहुत अच्छे चल रहा है जिसकी वजह से सरसों तेल में जो घरेलू डिमांड है वो पहले की तुलना से काफी ज्यादा कम हो गई है। लेकिन सरसों तेल में कीमतों में तेजी मंदी काफी हद तक आयातित खाद्य तेल के मार्केट पर ही निर्भर करने वाली है। बात कर लेते हैं रेट के बारे में। तो सरसों सीड में जो आज का रेट चल रहा है जयपुर में वो 6150 देखा जा रहा है। दिल्ली में कीमतें 6000 है, बरवाला का रेट 5550 है। ग्वालियर में आज की कीमतें 5700 चल रही है। हिसार में कीमतें आज की 5750 चल रही है। गोयलकोटा में आज का रेट 5900 है। मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्रे में जो आज का रेट चल रहा है जयपुर में वो 1161 रुपए है। दिल्ली में कीमतें 1130 है। भरतपुर में रेट 1135 चल रहा है। कच्ची घानी में आज की कीमतें 1171 है। कच्ची घानी में आज की कीमतें जयपुर में 1171 है, जयपुर का रेट है ये। कोटा में कीमतें 1180 है। भरतपुर में रेट 1160 चल रहा है। और प्लांट के बारे में अगर बात करते हैं तो बाजारों में आज तेजी दर्ज करी गई है। 6475 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है सिरोही शमशाबाद प्लांट में, जहाँ 25 रुपए तक की बढ़त दर्ज करी गई। सिरोही डिग्री में आज कीमतें 6475 है, जहां पर भी 25 रुपए तक की तेजी के साथ कामकाज बाजारों में देखा गया है। सिरोही अलवर में रेट आज का 6375 है, जहां 25 रुपए तक बढ़े हैं। सिरोही कोटा में आज कीमतें 6400 है, जहां पर भी 25 रुपए तक की आपको यहां से बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है बाजारों में वो पॉजिटिव ही है। सरसों के बाजार में 75 रुपए तक की कल के दिन भी तेजी आई थी और आज के दिन भी बाजार अच्छा खासा तेज है। और कच्ची घानी में भी एक तरह से देखा जाए तो 4 से 5 रुपए तक की अच्छी बढ़त दर्ज करी गई है। दैनिक आवक घटकर 6 लाख बोरियों की हो गई है। कल तक आवक 6.5 लाख के आसपास देखी जा रही थी, 50,000 बोरी की आवक की कमी आई है। तो मार्केट में ओवरऑल आने वाले टाइम में तेजी ही देखी जा सकती है। हेफेड की बिक्री का असर जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा गिरावट सरसों सीड में फिलहाल के लिए नज़र नहीं आ रही है। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल मार्केट जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज़ मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आप अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।